राजधानी जयपुर में हथियार लेकर बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देने आए पांच बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना से जयपुर में बैंक डकैती की वारदात को अंजाम देने पांच चातिर बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये बदमाश जयपुर के ज्वालूपुरा इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में डकैती की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 पिस्टल और 12 राउंड कारतूस भी बरामद किए हैं। एडीसीपी क्राइम सुलेश चौधरी ने बताया कि भिंड मुरैना से पांच शातिर बदमाश निजी बस में सवार होकर जयपुर पहुंचे थे। जयपुर पहुंचने पर पांचों बदमाश वनस्थली मार्ग पर बस से नीचे उतरे और बैंक को निशाना बनाने की साजिश रचने लगे। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने सूचना के आधार पर दबिश देकर इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये बदमाश राजधानी जयपुर में कुछ अन्य बदमाशों को हथियार भी सप्लाई कर चुके हैं। लड़के जो भिंड मुरैना ग्वालियर से आए थे, प्राइवेट बस में सवार होकर आए थे, वनस्थली मार्ग पर उतरे थे आकर के, जो जालूपुरा थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे आकर के इन्होंने एक बैंक को टारगेट करने की योजना बनाई थी। इस योजना का पता चलते ही हमारी टीम के महिपाल सिंह को इस बात की पता चला, भनक लगते ही हम लोगों ने इनको टाइम रहते हुए उस डकैती की योजना बनाते हुए इसको पकड़ा, जिनके पास तलाशी में 3 हथियार मिले और 12 जिंदा कारतूस मिले। यदि पुलिस इनको नहीं पकड़ती तो निश्चित रूप से किसी बैंक में डकैती करते, लेकिन टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलने से इनको राउंड अप किया गया और पांचों का